नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। आज हम इस वीडियो में नपुंसकता, जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, इस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा देखा गया है कि 52% पुरुष जीवन में कभी न कभी नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का अनुभव करते हैं। ऐसा भी रिसर्च में पाया गया है कि 8.5% कपल्स ने शादी के बाद भी पूर्णतः सेक्स का अनुभव नहीं किया है। उनका कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता। नपुंसकता इतनी कॉमन है, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग इनकी ट्रीटमेंट के लिए सही डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। ज्यादातर लोग इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है या किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए या शर्म के बारे में कि इस बात को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, इस बात को कैसे डिस्कस करेंगे, इनमें इनकी ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाते हैं।